हाँ जी हाँ, तो क्या कहना चाहोगे जी धीरज मलिक के बारे में? भाई भाई सारे भाई जितने उठे सारे बढ़िया, लेकिन धीरज इनमें बेस्ट है। अच्छा जी, क्यों कर बेस्ट लगे जी? हर तरीके से, बोल से, व्यवहार से, बड़ों का आदर करने से, बुजुर्गों का आदर करने से। गांव में भाई यही देखा जाता है कि दो आदमी बड़े के पैरों के हाथ कर चलता हो। बिल्कुल जी, ठीक है। ये नहीं कि आज इलेक्शन लड़ता नहीं, शुरू से ये बढ़िया नेचर का है। अच्छा जी। और बढ़िया भाई है। तो जी नौ गांव का भाई जिला परिषद में खड़ा हुआ है, तो काम कम कम करवा दे भाई साहब। काम तो सारे काम तो मोदी के भी ना हुए हैं। अच्छा, बाकी न्यू है अगर हम जनता ही गेल खड़ा रहेंगे और जित भी मतलब भाई पब्लिक लेकर जाएगी उठे जाएंगे सामूहिक काम ने। अच्छा, आगे से आगे बढ़ कर कराएंगे भाई साहब। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जी कुकर के लागे 9 तारीख ने क्या अपना रहेगा भाई साहब? क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई ना है टक्कर में। बिल्कुल मतलब एक तरफ जो ताल हो गए। अरे गणी बोटा थे भाई साहब, गणिया थे। फिर क्या उम्मीद लगा कितने बोटा था? फिर भी कुछ दर्शक जानना चाह रहे हैं भाई साहब, कम से कम 5-6 हज़ार की लीड लेकर चल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। अगर बढ़ जाता बहुत बढ़िया, 5 हज़ार तो भाई पब्लिक ने 5 हज़ार कम से कम हो। और इससे ऊपर जीता है वो अलग जीता है भाई। कितने की जीत है? 6 हज़ार तक जीत सका, 7 हज़ार तक जीत सका। बाकी माहौल तने भी दिखा भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरा तू भी दिखा दे भाई। चकर दे कमा दे भाई। यो धीरज मलिक भाई जो अपना बहुत ही बढ़िया भाई आगे चला गया हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखने वाला नवे प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हम है रोहतक में भाई काइनोज हॉस्पिटल, उसके श्यामिया वाटिका है जो भाई है नौगामा का भाई, जो जिला परिषद में है उठ रहे हैं भाई साहब। बहुत ही बड़ा काफिला यहाँ तक चलाएगा और जो नौगाम में जिन भैया ने भाई कह रहे किया भाई नौगामा में जाना है, उन नौगामा में भाई जाएगी है पूरी बड़ी रैली। और तो भैया तो बात करेंगे अंदर चल के कितने का बड़ा काफिला है भैया का, जो गाड़ी है गाड़ी कम से कम 1500 गाड़ियाँ काफिला निकलेगा नौगामा में। जो भाई हैं अपने मलिक साहब वे जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और भाई भीड़ ने देखा तो ऐसा लग गया कि भाई एक तरफा बनने लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा काफिला। और भाई मैं कहूँगा एक बार पीछे चकर दे घुमा दे भाई, पीछे भी दिखा दे भाई कितना बड़ा काफिला। और जितनी भी भाई भैया भीड़ है भीड़ दिखा देगी भाई भैया के प्यार प्रेम ने। ये घुमा दे भाई चकर दे गए या वाटिका भाई। आड़े बात करेंगे जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं जिला परिषद के भाई साहब के साथ में, अब किसा के मोल हर किस आधार पर भाई वोट देंगे? आजा भाई अगा इतनी पब्लिक भाई जिला परिषद के साथ में मलिक साहब के साथ में, ये अपना बाबा भाई इन तब बात भी करेंगे और कुछ भाई उड़े बैठे भी उन तो बात करेंगे भाई। तो भाई अपने साथ में बैठे हैं बाबा 26 22 भाई, जो आपने बेरा भी होगा भाई का बहुत ही बड़ा नाम सुना होगा भाई, इंस्टाग्राम पे भी छाया रहा हो भाई, तो बात करेंगे। नमस्कार बड़े भाई। राम राम भाई सभी ना। पहले तो भाई हाड़ कुकर के इकट्ठे हुए हो, कोई रोड़ा झगड़ा था ना कि कुकर के बात ना? भाई रोड़ा झगड़ा को नहीं भाई, अपना भाई है धीरज मलिक कलावट से। अच्छा। जो कि जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा है। और लागे है भाई बन जाएगा कुकर के बाद भाई? देखो इतनी दूर दूर तक भाई आ रहे, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी भाई दूर तक भाई ने सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई साफ छवि का भाई है बिल्कुल, पहला भी काम करा रहा भाई और सारे समाज से भी काम करा भाई। और इलेक्शन की तो भाई जो लहर है जिला परिषद में भाई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें एक तरफा इलेक्शन चल रहा है भाई, जो हमने देखा क्योंकि जितने भाई ये सारे भाई सपोर्ट मारे भाई सारे भाई। तो भाई गाड़ियां काफिला जा कुकर के जागा यो, यो गाड़ी ट्रैक्टर आगा काफिला जागा भाई, जो भी जिसके पास जो व्हीकल होगा सारे भाई इकट्ठा काफिला लगड़ागा। गांव नौ गांव लगाए भाई, जैसे कलावड़ हो गया भाई, ननोद, गांधरा, टाले, बैसरू, नया बास, गिज्जी, दतोड़। अच्छा, फिर क्या लग गया है? काम कुम कम करवा देंगे मलिक साहब? बिल्कुल भाई, सारे काम करवाओगा भाई, बढ़िया भाई है कति, एक नंबर का सभी का साफ सुथरा बाढ़ का भाई। तो युवा के कितने साथ में खड़ा है भाई कुकर के सपोर्ट कर रहे हैं युवा बाढ़ का? युवा बाढ़ का फुल सपोर्ट है भाई। अरे युवा भाई जितने भी हैं भाई मिलकर कति भाई ने सपोर्ट कर ला रहे हैं भाई, दिल में यह उम्मीद है कि जीत हो भाई की एक तरफा इलेक्शन। एक बार भाई तो सारे दिखा दे भाई जितने भाई बैठे हैं सारे घुमा दे भाई। तो ही मतलब भाई मलिक साहब तो बात करेंगे तो कुकर के रहेगा रुझानी बागे का चालन का पहले कहाँ तो शुरुआत करोगी? यार तो गांव तो भाई के गांव तो शुरुआत होगी भाई कलावड़ से, तो कलावड़ से निकलते और सारे गांव क्रॉस करेंगे नौ गांव। बात करें नमस्कार बड़े राम राम सारे भाई। हाँ, तो की क्या होगा आज कुकर के आड़े इकट्ठे कर लिए यो भाई? वार्ड नंबर 8 तो अपना भाई उठ रहा धीरज मलिक। अच्छा, पहले अभी कई बन लिए सारे गाँव में तो जो सका था भाई, तो खेला खतर है जितने भी स्टेडियम है गाँव में ना, तो किसी का विकास हो रहा है
दूसरी बात यह पढ़ाई के ऊपर भाई, जो गरीब घर है बड़ा खैर ये है पानी की निकासी खातर है, तो भाई ने कई काम सोच रखे पहले भी कि एक बार अगर वार्ड नंबर 8 की पब्लिक भाई भाई ने मौका दे है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा तभी ज़्यादा करण की भाई भाई की सोच है। माहौल लगा है मतलब इतने बालका ना देख कर माहौल भाई जित भी गए हैं काकी हुई ताई हुई चाहे भाई पाँच पाँच सात सात साल के बालक हुए तो जित भी जाऊँ हाँ बगैर नाम बताए गली में बालक बाढ़ देखते पाऊँ कि आज भाई धीरज भाई यहाँ होगा हाँ क्योंकि भाई हंस मजाक का बहुत ही नेचर वाइज बहुत अच्छा इंसान है धीरज मलिक भाई। तो मलिक साहब हमारे साथ में, वे अपने बारे में बताओगे भाई किस तरीके का चुनाव भाई साहब लड़ रहे हैं, भाई जिला परिषद का 9 तारीख में जो वोट पड़नी है उसके बारे में कुछ भाई साहब बात करना चाह रहे हैं। तो नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार बड़े भाई। तो बड़े भाई एक बार अपना परिचय दो एक बार हमारे दर्शकों को। भाई मैं धीरज मलिक गाँव करावड़ से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। मतलब की जिला परिषद में भाई यो अपने 9 गाँव वहाँ है, कलावड़ नोंड गांधरा गिजी दतोड़ अटल बैसरू खुर्द बैसरू कला और नया बांस, ये अपने गाँव पड़े भाई 8 नंबर वार्ड में। तो जी कहाँ तक मतलब अपना यहाँ का रेला, ये जन सैलाब जो आया हुआ है हमारे यार दोस्त का जो 8 नंबर वार्ड में सभी गांव से आदमी आए हुए हैं भारी मात्रा में, ये सभी गांव का दौरा रहेगा। तो काम की आस लगा रहे हैं सभी ये गांव वाले 9 गांव वाले भाई के काम करवाओगे हमारे हमारे खातिर। भाई हमारे 8 नंबर वार्ड में बहुत सारे इतने काम है कि मतलब गिनवाने लग जाए तो उसमें शाम हो जाएगी। कोई स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, अच्छे से बच्चों के आने जाने रास्ते खराब है, रोड इतने बुरा हाल हो रखा है, गलियों में पानी खड़ा है, हर चीज की समस्या को लेके ये कदम उठाया गया है कि मतलब भाई कुछ अलग करके दिखाएंगे नौजवान को, सभी को साथ लेके चलेंगे। तो बड़े भाई युवा बड़क ज्यादा दिख रहे हैं पूरा, मतलब भरा पड़ा है वाटिका भाई, युवा का ही दौर चल रहा है आज के दिन तो। बिल्कुल जितने भी युवा हैं सलाह तो हमारी सिर्फ है, एक दो गाड़ी ले जाके हर गांव में बताया कि आने के भाई वोट की अपील करने के लिए, पर ये सुबह देखा इतने सारे हमारे यार दोस्त हैं भारी संख्या में आ गए हैं तो फिर वही बात, तब साथ चलेंगे तो किसको मना कर सकते हैं। जी। तो गाड़ियां काफिला जाएगा कैसे, क्या पैदल या नहीं? गाड़ियों का काफिला रहेगा हर गांव से, मतलब 9 के 9 गांव से 8 नंबर वार्ड में हर गांव में घूम के आने का प्लान। अच्छा जी हाँ। तो आगे के अपना रुझान रहेगा जी आगे के बारे में, बोर्ड ये वोटर देख रहे हैं भाई हमारे लिए, ऐसा जो नया यूथ था वो भी आसुमीद लगा रहा है भाई हमारे लिए क्या फैसिलिटी देंगे भाई। कितने युवा हैं सबको अपील करेंगे भाई नशे से दूर रहो, पढ़ो भाई आगे बढ़ो। हमने भी छोटी कोशिश की है इलेक्शन की, मतलब जिला परिषद से शुरुआत की है तो देखेंगे जनता का जो सहयोग साथ रहेगा, आगे भी कोशिश करते रहेंगे, नौजवान को बढ़ाएंगे, रोजगार की भी पूरी आश्वासन देंगे, जहाँ तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम सबके साथ खड़े रहेंगे। एक भाई आगे और बात करेंगे, ये भाई और खड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, क्या कहना है मलिक साहब के बारे में? मलिक भाई छोटा भाई है, बहुत मेहनत कर रहा है, नई सोच है और सब ने साथ लेके चलने का एक विश्वास लेकर आगे बढ़ने लग रहा है और हम भाई के गेल खड़े हैं और शायद जीता के। क्या लग रहा है भाई 9 तारीख ने क्या रुझान रहेगा? रुझान नहीं है, जीता के लाऊंगे। अच्छा, जीता के लाऊंगे, कोई शक नहीं है। भाई जीत तो एक तरफा, पर जो भाई का माहौल है जितना युवा साथी साथ खड़ा है आज के टाइम पर, सबने पता कि भाई युवा सब कुछ कर रहा है तो युवा साथी इतना साथ हमारा भी है। सोचा भाई जितने युवा साथी हैं उनके खेल में और पढ़ाई में भाई क्या सोचा, जितने गाँव में स्टेडियम उनना बढ़िया तैयार करवागा, स्पोर्ट्स ना आगे बढ़ाऊंगे भाई, इनसे पता दूरा खड़ी कोशिश कराएंगे, यही मुहिम ठाकर चलें कि भाई एक मौका
देरी है अपर बिल के तो जितनी है बने पाछा भाई जितना भी विकास होगा जो रोड हैं आप जाओगे तो इन रोड पर बुरे हालत हो रहे हैं। जो साइकिला बजा है अभी क्लब ड्यूटी आप जहाँ सब है परेशान है। तो पहले रोडा गार भाई ने गाँव में सफाई का पेयजल का और स्पोर्ट्स का चार कदम थे भाई। पहले सोच रहे कि बनते पहले ये कार्य करवाने इनका मामा भाई जो विकास रुके पड़े हैं नशे का जितना होगा और साक्षरता का तरफ ध्यान देना है भाई। तीर्थ मलिक की जय। तीर्थ मलिक की जय। तीर्थ मलिक की जय। क्या कहना चाहोगे बाबा भाई? भाई बहुत ही साफ सभी का भाई है भाई, बिल्कुल समाज सेवी भाई है। तो हमने वो कहना चाहोगे भाई, भाई ने एक तरफा जिता लाओगे भाई कलावड़ गाँव की। जिंदाबाद।